हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते शुरू, तो आज हमारा जो शिफ्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं जान चीजें लेके आ रहा है, लेकिन जब से मतलब हमने घर यहाँ पे शिफ्ट करना अभी शुरू नहीं हुए, तो हमारे जो नुकसान है वो हो ही जा रहे हैं। वैसे नहीं टूटी थी, मेरा काका भी नीचे लेटा भी बैठ बैठा। और काका मैं ना वो पता नहीं क्या कर रही थी, तो मुझे आवाज आई है, मैंने कहा काका खेल रहे हैं। वो नीचे लेटी है, कोई भी नहीं, और खेल रही है, खेल नीचे लेटी। अभी कमरे खाली तो इसलिए आवाज जो ना गूंज रही है, आवाज गूंज। तो पंखा भी लगाना था, और कल हमें वो पेज का निकला भी जान नया ले गया। काका पीछे हट जा, शहजादे जो ना रखना निकालना शुरू हो गया। और भाई साथ साथ मतलब जान बोलते इस तरीके से रखते हैं कि आराम से लगा ले उसको, लगा सके, इसलिए वो आराम से ये आटे वाले मट्टी वहीं पे रखते हैं, और मैं चीजें जाके उठाती हूँ। सही है, और बच्चों की साइकिल देखो कैसे फेंक दी। अभी यहाँ पे हमारे जो ना ये रोड जो पक्के नहीं, इसी की वजह से ये जब बन गया ना सारा, तो फिर होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने बोला था ना कि स्लेब नहीं लगा देना, उन्होंने सीमेंट लगा दिया, तो वो अभी सामान थे तो टूट जाएगी। अभी ये देखना वहाँ पे रखने पे काके होना, ऐसी सीढ़ियों का ख्याल करना, ऐसी सीढ़ियों का जान। अभी ऐसी सीढ़ियां आप खुद उतारना जान। हाँ वो भी क्या ना, सब कुछ थले ये हमारी जो टीवी ट्राली थी, जो मतलब कितने कितने साल थे, और सारा ये देखो ये टूट गया। मुझे इतना दिली दुख हो गया ना, आपको पता चीजें नहीं बनती और ये मुश्किल से बनती। और इधर से हम अभी आ गए हैं, तो अभी हम अपने घर के पैसे उतारेंगे, तो फिर ही हम कुछ कोई चीज बना सकेंगे। और बड़ी परेशानी हो गई है मुझे, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अंजलि जो है ना हेल्प नहीं करती हमारी जरा भी। अभी इन्होंने आते ही शावर तोड़ दिया है, सेटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है। और यहाँ पे जान अभी जो ना बेड वो सेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी अलमारी लग गई है, तो अभी उधर भी जो बेड है, और यहाँ देखो फ्रिज, मतलब अभी सेटिंग हो रही है, आस्ता आस्ता करेंगे। ये पंखा ये लगा दो, बड़ी गर्मी लग रही है। यहाँ पे ड्रेसिंग मैंने सेट कर दिया, और जो हमारी टी वी टाली थी वो जैसे कि मैंने बताया टूट गई, यहाँ पे ऐसे भी लगेगी। ये ड्रेसिंग यहाँ पे लगा है, और ये बेड हमारा लग गया। अभी तस्वीरें रख, हाँ सेट आस्ता करेंगे, अभी बस कपड़े रह गए हैं, है ना। मसला नहीं होगा, ये बात सही है। और ये जो मेरी बेटी है, इसको पानी नजर लगी है, क्या दूध ही नहीं पी रही, हसली निकाल तो दी है यार, कल भी निकाली है, फिर रात को मिशन कहती मैंने निकाली, सच सुबह चुबा भी निकाली थी शहजादी की। और देखो ऊपर से गर्मी भी लग रही ना, बच्चा रिलैक्स नहीं हो रहा ना। अभी जो गद्दा वद्दा बिछेगा, ये अभी इसलिए नहीं बिछा रहे क्योंकि पंखा लगना, तो फिर सीढ़ी यहाँ पे लगानी। तो सुमेरा आई थी साथ बकाया, मैंने मिशेल को बोला था सुमन को कि आ जाओ, तो वो बोलती इतनी दूर से हम वापस कैसे आएंगे। तो ऐसी यहाँ पे पड़ी ऐसी, अभी आएंगे बस आस्ता आस्ता फिट कराएंगे सारी चीजें, और कहा यहाँ पे वो लगाएंगे ऐसे हमारा, देखते कैसे बिखरा पड़ा। तो मैं ऊपर आई थी, जान मुझे कह रहा था कि देख के आओ कि टैंकी जो पानी वाली है फुल है, तो मैं कैसे देखूंगी, टैंकी तो मुझसे बहुत बड़ी है, यहाँ से कैसे नजर आएगी। अच्छा ये लोग है, कैसे खुलती है, सेट कर दिए, लेकिन क्या उसका बोलते हैं, खप गए हैं, पंखे अभी नहीं लगे, और गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, ठंडे पानी की प्यास, तो कुल में पानी है ना बर्फ लेके आया, और मैंने रूज को वहां पे लटा दिया है, क्या बोलते हैं उसके लिए लेटने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कैरी भी उसको लटा दिया, यहाँ पे बिछा दी कैरी, और मेरा बच्चा सो गई है ना, हाथों में भी वो तंग हो रही है। हाँ तो अभी चीजें भी अभी रखनी है, तो सुमेरा को वो भूख लग गई है ना, भूख अब टाइम देखो क्या होगा, 5 बज गए है ना सुबह, तो ज्यादा टाइम सुबह से नाश्ता किए, दरअसल गया की 1:30 बजे नाश्ता नहीं किया था, नहीं कुछ भी नहीं खाया, 1:30 बजे भूख, मतलब मुझे भूख लगती है ना, भूख लगती नहीं, नाश्ता बना के सबको करवा के सही, देखो इतना टाइम हो गया, तो उसने कुछ खाया नहीं बंदी ने, तो अभी यहाँ से जाते हैं खाना खा के आते हैं, ठीक है, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए ना, ऐसे मेरी हालत बिल्कुल भी सामने वाले के नहीं, मेरे तो बिल्कुल बाल बाल, क्या क्या बताऊँ आपको। तो ये चीजें अभी रखनी है, बड़ा सामान है वो, अभी वो मुझे पता मैंने कैसे रखना है। खाने का टाइम, सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हमने न्यारी मंगवाई है, बड़ी मजेदार है, सही है, बहुत अच्छी है। शारुन भी, सैम भी, अंजलि भी, मैं भी, अरुज जो है खाली रोटी खा रही है, और जोया अम्मी के पास है फिलहाल, कल ले आएंगे उसको, क्योंकि वो रोटी बच्चे जो है ना सामान वो करने नहीं देते, कल मैं जाके उनको ले आऊँगा जोया को। और अरुजी देखो माशाल्लाह लेटी हुई है, हैं
फाइनली सेट कर लिया और माशाल्लाह से हमारी रुजू बुजू लेट गई ये पापा के कमरे में आके, पापा मामा के कमरे में आके लेट गई ये है, पापा मामा के कमरे में आके लेट गई है। तो ये रूम हमने बिल्कुल सेट कर लिया, क्यों बेटी जी? हाँ, ये रूम सेट कर लिया, अभी बड़ा बेड सेट किया, अभी बहुत ही ज्यादा खलारा पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा है हमारा सामान, ये सारा पड़ा हुआ है, सेटिंग सारी होने वाली है, रात हो गई है यहाँ पे, देखो रात हो गई है, यहाँ पे भी सारा सामान जो है पड़ा हुआ है, छत पे बहुत सारा सामान हमने छत पे पहुँचाया है। और ये क्या कर रही है? और ये भी बेड हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अंजलि उल्टी होके सो गई, ये शारू ने आया था, ये ऊपर सो रहा है, जो इनको ये पंखा लगा के दिया, अभी कल लगाऊंगा छत वाला पंखा। दे 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 सैम, नारुला 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 नारुला, सो जा भाई अभी। तो बस ये यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हूँ, सही है, और मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है, सही है, आपको पता सेटिंग जब मतलब शिफ्टिंग करता था कितना मुश्किल हो जाता, तो अभी मैं जाने लगी ऊपर, और पता नहीं अरुज को क्या हुआ है, ये दूध नहीं पी रही, नज़र लग गई है, मैंने तो दूध की भी नज़र उतारी है, इसकी भी उतारी है, पता नहीं क्या बात है, तबीयत क्या बात है, और आंखों में पानी दे, और इसको देख के मुझे खुद रोना आ रहा है कसम से, छोटी सी हम ना बता सकती है ना कुछ है ना, पता नहीं अभी मोस की दवाई भी डाली मैं, शायद जुकाम वगैरह तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर भी पता नहीं क्या है, क्या बात है काका, देखो आंखों में पानी, आप देख सकते हैं, देखो कब से रो रही है, तो जब मैं बात करती तो फिर हंसने लग जाती है, क्या हुआ रुजू, ओ छुजादे मेरे बच्चे, सैम बोलता है इसको याद आ रही है, उसको ये जगह पसंद नहीं आई है ना, ये बात है ना, भाई को पता चल गया, बोलती है सही कह रहा है। तो यहाँ पे ना वो इसको पता नहीं मोबाइल को इन्होंने क्या किया है, चार्ज ही नहीं हो रहा, ये वाला ये पिन खराब कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या किया हो रहा है कि बारिश नहीं हो जाए, तो क्योंकि ये सारे कपड़े ये गीले नहीं हो जाए, तो मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं ये सब कुछ ना आस्ता आस्ता करके ना, क्योंकि ये अलमारियों के कपड़े ये सब उसी के अंदर ही जाएंगे है ना, जो चीज़ें वीज़ें हैं सारे चप्पलें वप्पलें आपको पता है, तो ऐसे बिखरी हुई है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत, क्योंकि बड़े बड़े वो बनाए हुए ना सब बच्चों के, ज़्यादा ज़्यादा कपड़े होंगे तो बादल बने पड़े हैं ये देख सकते हैं आप, तो मुझे टेंशन हो रही है, तो अभी मैं चलती हूँ नीचे जाने को, कुछ बोलते बोलते तो वो नहा रहा है, फ्रेश होने लगा, बोलता मैं थक गया हूँ, अभी वो करेगा आराम, तो मैं तो आस्ता आस्ता, क्योंकि यहाँ तो हमारी मेरी अभी काम वाली भी नहीं है ना, मेरी कोई बातचीत हुई है, वो देखो रो रही है रूचे, और मैं बहुत परेशान उसकी वजह से भी, और भी बड़ी टेंशन है, बता क्या बोले, नई जगह पर आए हैं और बहुत सारे नुकसान हो गए, बहुत सारे क्या बोलूँ, सही है, और अब हमारे लिए दुआ करना कि हमें ये जहाँ पे हम आए हैं बड़ी खुशी खुशी हम आए थे, सही है, तो बस अब क्या बोल सकते हैं, बच्चों की वजह से इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, परेशानियाँ, हम इतने खुश थे इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मैं बता नहीं सकती, चलो मौका मिला तो वो भी बताएंगे, तो आप हमें प्यार करना, खूब सारा हमारे लिए दुआएं करना, कसम से मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, हम दोनों बहुत सब, तो अब मैं उसकी वजह से कुछ ज़्यादा तो कुछ और भी बड़ी टेंशन है। चलो जी, आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा दुआ हमारे लिए दुआ करना, अब हम मिलेंगे कोई अच्छे से ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।